हेलो एंड वेलकम बैक टू श्रियादी व्लॉग्स। गाइस कैसे हैं आप सब? काफ़ी वक्त के बाद आपसे मिलना हो रहा है। एक बार फिर से एक नए व्लॉग में फिर से आपके साथ वही चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली में नहीं मिल रहा है। एंड इस वक्त भी आपको मेरी सूरत देख के समझ में आ रहा होगा कि मेरी तबीयत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बट देन टू नाउ मुझे बनाना ही था व्लॉग। मुझे लग रहा था कि मुझे वक्त मिल रहा है व्लॉग बनाने का, तो मैं एक बार ब्लॉग बना लेती हूँ। सो आज का जो ब्लॉग है वो मैंने काफ़ी हिम्मत करके बनाना स्टार्ट किया है, बिकॉज़ जिस वे में मैंने इस वक्त मोबाइल पकड़ा है, मुझे बिल्कुल भी मोबाइल पकड़ने नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है मोबाइल पकड़ने के लिए, बिकॉज़ मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है। आप देख सकते हो जो मेरा हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बट देन टू मैं बहुत हिम्मत करके मैंने ये मोबाइल पकड़ के मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाती हूँ। मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज छुट्टी थी। सो मॉर्निंग से मैंने कुछ काम भी नहीं किया है। आज दिन भर जो है मैंने आराम ही किया था, छुट्टी थी तो। बिकॉज़ आज का पूरा जो भी काम था, मोस्ट ऑफ मुझे सारा काम आई और बाबा ने ही करके दिया था, बिकॉज़ मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो मैंने ना आज डिनर में सोचा है कि मेरे को कुछ सिंपल ही रखना था, लाइक ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी है मुझे। तो मैं अभी डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर के पास जाते आते मैंने कुछ एग्स ले लिए थे, बनाऊँ एक बिरयानी बनाऊँ। सो मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर दिया है, तो मैं अभी आपको सीधा प्रिपरेशन की तरफ लेके जाऊंगी एंड डायरेक्टली आपको शो करूंगी कि किस तरीके से मैं अपने स्टाइल में मैं किस तरीके से दूँ एक बिरयानी। ओके सो चलो अभी देखते हैं, जाते हैं किचन की तरफ एंड अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज देख लो, यहाँ पे ना मैंने अभी अपनी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, पूरी चीज़ें तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ी बहुत चीज़ें रेडी कर ली है। बाकी की चीज़ें जो भी रहेगी ये मैं ऑब्वियसली आपके सामने ही शो करूँगी किस तरीके से बनाना है, क्या करना है। तो अभी मैं आपको सीधा सीधा जो चीज़ें मैंने यहाँ पर मतलब रेडी करके रखी है उन चीज़ों की तरफ मैं आपको लेके जाती हूँ। सो गाइज यहाँ पे ना मैंने प्रिपरेशन बेस के हिसाब से सारी चीज़ें रेडी करके रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना बासमती राइस यहाँ पे लिया है, जो बिरयानी वाला राइस, इसको मैंने ना भिगा के रख दिया था। ये तकरीबन ना मैंने 250 ग्राम यानी पाव किलो के आसपास धो के इसको मैंने पानी में डाल के रख दिया है। प्लस मैं ना बिरयानी में ये वाला दही यूज़ करने वाली हूँ, तो 2 टीस्पून ये वाला ही टीस्पून मैंने 2 टीस्पून भर के मैंने दही लिया, उसको अच्छे से फेंट के रख दिया था। ये 2 प्याज है, ये छोटी वाली मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने कट करके इस तरीके से कट किया है, ठीक है। ये एकदम फाइनली चॉप वगैरह नहीं है, जस्ट डाइस किया करके रख दिया है मैंने। ये जब मैं नॉर्मल इसको मसाला बनाने के लिए लूँगी ना, तब मैं ये वाला प्याज यूज़ करूँगी। मैं बिरयानी में ना अलग अलग ही प्याज रखती हूँ ताकि मुझे क्वांटिटी समझ में आ जाए, ठीक है। फिर ये ना एक मैंने बड़ा वाला टमाटर लिया था, इसको मैंने पीस के रखा है, लेकिन इसका पेस्ट बना के रखा है। यहाँ पे भी मेरे पास प्याज है, ये 2 बड़े साइज़ वाले, एकदम बड़े वाले साइज़ के मेरे पास 2 प्याज थे, उसको मैंने ना एकदम पतला पतला, वो जो जिस तरीके से हम घिस के जो काटते हैं ना, उसके अंदर मैंने इसको काटा था ताकि ये मुझे इक्वल लेवल में कटा हुआ मिल जाए, यानी सेम लेवल में कटा हुआ मिल जाए। तो इसका मैं बिलिस्ता बनाऊंगी ये वाले प्याज का। अलावा थोड़ी सी कोथमीर भी मैंने यहाँ पे काट के रखी है। एंड ये मैं आपको बता देती हूँ, ये ग्रीन पेस्ट जो है ये मैंने बनाया है, मतलब जस्ट पीसा है मैंने इसको। इसके अंदर ना मैंने आप समझ लो एक छोटा सा लहसुन, ठीक है, 1 इंच अदरक का मैंने इसमें डाला है, 4 हरी मिर्च डाली है, जिसमें 2 तीखी वाली हरी मिर्च है और 2 प्लेन हरी मिर्च है, ठीक है। थोड़ा सा एकदम हल्का सा कोतमीर और थोड़ा सा मतलब एकदम हल्का सा इसमें पुदीना और आधा टी स्पून जीरा ऐड करके मैंने इसको मिक्सी में अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बना लिया था। इसके अलावा जो है यहाँ पे मेरे पास आलू रखा है। आलू को जो आप देख रहे हो मैं इसको फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त से जो है मैंने आलू को रख दिया था, तो इसमें ना एक अलग तरीके से दाग आना स्टार्ट हो रहा था, तो मुझे इस वजह से इसको जल्दी से डालना पड़ा, ठीक है, फ्राई करने के लिए। एक आलू है, ये फ्राई हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, मैं इसको निकाल दूंगी। इसके अलावा मैंने देखो यहाँ पे अंडे उबल के रखे हैं। अभी अंडे का उबलने के बाद क्या क्या प्रोसेस है ये भी मैं आपको शो करूंगी। साथ में यहाँ पे मैंने कुछ पुलाव पत्ती निकाली है, जो कि मैं बिरयानी एंड पुलाव में यूज़ करती हूँ मोस्टली। सो इसमें ना एक काफ़ी अच्छा जो है खुशबू आता है, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा, बट इतने सारे नहीं डालूंगी, ये मैं धो के मैंने इसको साफ़ करके रख दिए है। इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ पत्ते मैं सुखा के फ्रिज में रख दूंगी एंड कुछ पत्ते यहाँ पे यूज़ करूंगी बिरयानी के लिए। अब सो गाइज इसको ना मैंने मीडियम आंच पे मैंने इसको रखना है और इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। आलू वैसे मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बिरयानी में मैं डाल देती हूँ आलू, बिकॉज़ जिसको पसंद होता है वो खा लेता है। अभी क्योंकि सिर्फ मैं और दीपक ही हैं, तो ये आलू, एक आलू बस हो जाएगा हमारे लिए, दोनों के लिए। सो ये आलू हो गए हैं, अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो मेरे हो गए हैं, अभी सेम ऑयल में मैं अभी मेरे प्याज,
सॉरी, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेरी ज़बान जो है वो फिसल रही है, मुझे ही नहीं समझ रहा है। गैस को मैं फास्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा मीडियम आंच पे रखना है गैस को, एकदम धीमी आंच पे, प्याज डालने के टाइम पे नहीं करना है। इसका भी पूरा बिलिस्ता बना के मैं ले लूँगी। गाइस ये प्याज जब तक मेरा हो रहा है ना ब्राउन, तब तक मैं यहाँ पे रख देती हूँ मेरे राइस। ठीक है, राइस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 तांबा पानी। ठीक है, अब ये पानी को जो है मैं अच्छी तरीके से उबलने दूंगी। ठीक है, जब ये इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद इसके अंदर मैं चीज़ें ऐड करूंगी, जैसे कि गरम मसाला, नमक और एक खास इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे मेरे पास एक आधा नींबू रखा है, आधा भी नहीं है ये, आधे से भी कम है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। इट्स जस्ट कि आपका जो राइस है वो खिला खिला होना चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होगी जब इसके अंदर उबाल आएगा। तो एक बार इसमें उबाल आ जाए फिर बाद में मैं आपको शो करती हूँ इसको। यहाँ पे मेरे प्याज आप देख लो ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। इसको बिलिस्ता बनाना है, आपको पता है बिलिस्ता में पूरे प्याज जो है ब्राउनिश कलर के होते हैं, तो ये पूरे ब्राउन हो जाए उसके बाद फिर मैं इसको निकालूंगी। एंड साथ ही ये क्रिस्पी भी होंगे, इसलिए इसको ज़्यादातर जो है पतला पतला काटा जाता है ताकि ये इक्वल अमाउंट में क्रिस्पी हो जाए। टाइम टू टेक आउट माई ऑल बिलिस्ता, ऑल प्याज, इसको मैं निकाल लेती हूँ। सो गाइज ये मेरा क्रिस्पी बिलिस्ता रेडी है, इसको मैं अभी फंगे के नीचे रख रही हूँ सूखने के लिए, आई मीन ठंडा होने के लिए, ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा उसके वजह से। एंड दूसरी साइड में मेरे जो राइस का जो पानी है, वाटर है, वो भी अच्छी तरीके से जो है बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको वो भी शो कर देती हूँ। अभी आप देख सकते हो पानी में जो है उबाल आ गया है, तो यहाँ पे मेरे पास जो लीव्स रखी है, जो पुलाव पत्ती रखी है, इसको मैं इस तरीके से तोड़ के इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने यू नो फ्राई किया था आलू और प्याज, वही तेल मैं इसमें ऐड करूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। मैं ऐड करेंगे गरम मसाले और इसके साथ में मैं ऐड करूंगी नमक। गैस को मैंने कर दिया है एकदम कम, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एकदम छोटी सी दालचीनी, क्योंकि दो ही लोगों के लिए खाना बन रहा है, इसलिए ज़्यादा गरम मसाले भी मैं ऐड नहीं करूँगी इसके अंदर। एक लौंग, एक इलायची और 1 से 2 काली मिर्ची, साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून के आसपास जीरा। अगर आपके पास शाहजीरा है आप शाहजीरा भी ले सकते हो, मेरे पास शाहजीरा नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो मैंने इस वक्त जो है जीरा ही ऐड किया है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, नमक इस वक्त मैं 1 टीस्पून भर के ऐड करूंगी, आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब ये जो राइस है, ये राइस का पानी मैं निकाल रही हूँ एंड उसके बाद जो राइस बचेगा वो इसमें मैं ऐड ऑन कर दूंगी। चावल को हम लोगों को 3/4 जैसे हम बिरयानी के लिए पकाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी पकाना है, पूरी तरीके से पका के नहीं लेना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि राइस में ज़्यादा आप चम्मच ना चलाएं, आप जितना चम्मच चलाओगे राइस को टूटने का, ब्रेक होने का चांस रहेगा। अभी इसके टाइम पे जो है मैं यहाँ पे ये वाला जो नींबू रखा है ये मैं ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा नींबू इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी हो जाएगा, राइस बहुत कम है, तो ये जो जूस है इसके वजह से ये हमारा जो राइस है ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। वैसे तो डालने की इतनी नीड नहीं होगी, एक बार चला देती हूँ मैं साइड से। अब ये चावल पक रहे हैं तब तक हम लोग यहाँ पे मसाला रेडी कर लेते हैं बिरयानी का। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी वक्त से जो है ये तेल गरम हो रहा है, मैंने इसका गैस बंद नहीं किया था, तो मैंने पुलाव पत्ती डाल दी। अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज जो कि मैंने आपको शो किया था। पुलाव पत्ती डालने की वजह से इसके अंदर काफ़ी अच्छी जो है खुशबू आ रही है इस वक्त। तो गाइस ये वाला जो प्याज है ना, इसको हम लोगों ने बिलस्ता जैसा नहीं बनाना है, ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, यानी गोल्डन हो जाएगा। ठीक है, पिंकिश कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, हल्का गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके अंदर डायरेक्टली टमाटो प्यूरी ऐड करूंगी एंड अदर मसाले ऐड करूंगी। एंड साथ ही ना मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला भी ऐड कर रही हूँ, वो भी मैं आपको शो करूंगी मसाले डालते वक्त। तो क्योंकि हमारे मसाले जो है, जैसे कि हमारा प्याज वगैरह जो है पूरी तरीके से पक रहा है, एक साइड में आप देख सकते हो राइस भी हमारा हो रहा है, सो ये सारी चीज़ें होने तक मैं आपको एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अभी 2 दिन पहले, अभी तो मेरी तबीयत ख़राब थी, बट 2-3 दिन पहले जो है हमारी ऑफिस की ट्रिप गई थी लोनावला। एंड लोनावला में सबसे ज़्यादा, जहाँ तक मैंने सुना है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी में से एक काउंट होती है जिसका नाम है एम्बेवली सिटी। सो यहाँ पर हमारे सर का एक्चुअली बंगलो है, तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे 2 दिन छुट्टी मनाने के लिए, हमारी पूरी कंपनी का ट्रिप था वो। सो काफ़ी सारे लोग थे जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, लाइक डांस, सब कुछ किया। सो एक जो नेक्स्ट व्लॉग रहेगा, मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो वाला व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। उस टाइम पे मैंने सिर्फ उसके क्लिप्स वगैरह लेकर अपने पास रखे थे,
सो हम लोगों ने जो भी मस्ती मस्ती की है या फिर जो भी चीज़ें हैं, कुछ हम लोगों ने वीडियो शूट किए थे डांस के वगैरह, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ फोटोज़ फोटोज़ तो कुछ नहीं, बहुत सारे निकाले थे हम लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें ना एक व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पॉसिबल है नेक्स्ट व्लॉग उसी का मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें मैं मोस्ट ऑफ कोशिश करूँगी मेरी कुछ भी वॉइस ओवर ना रहे, यानी कुछ चीज़ें रहेगी जिसमें मैं अपना वॉइस ओवर आपको दूंगी। एंड इसके अलावा सारी जो वीडियो क्लिप्स होगी वो सब कुछ आपको नेचुरली ही मैं रखकर आपको शो करने की ट्राई करूँगी। एंड होपफुली आपको वो व्लॉग पसंद आएगा, बिकॉज जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत पीसफुल है। सो एमिवली ब्लॉग के ऊपर हम लोगों का डिस्कशन जो है वो ऑब्वियसली चलता रहेगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे फिर से आ गई हूँ गैस के पास, क्योंकि एक साइड पे मेरा राइस आप देख रहे हो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के लिए आ गया है, जितना मुझे चाहिए था ये उतना हो गया है। एंड दूसरी साइड में जो हमारे प्याज हैं ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं, तो मैं इसके अंदर अभी प्यूरी ऐड करूँगी एंड सीधा आपको प्यूरी ऐड करते हुए दिखाऊंगी। एंड नेक्स्ट ब्लॉग भी आपको एमिवली सिटी का जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी। तो गाइज़ ये देख लीजिए, प्याज जो है मेरा ब्राउन हो गए हैं अभी मैंने ज़्यादा, क्योंकि बोला था कि इसको बिलस्ता जैसे नहीं बनाना है। तो अभी मैं इसके अंदर जो है ऐड कर रही हूँ टमेटो प्यूरी। टमेटो प्यूरी को ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे, यानी तक मेरे जो राइस है ये हो गए हैं। तो मैं इसको ना अभी डायरेक्टली इसका पानी छोड़कर आपको पूरा इसको निकाल के बता देती हूँ। टमाटर आप देख सकते हो पूरी तरीके से ये हो गया है, पक गया है। अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मेरे मसाले चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हिंग, 1/4 टीस्पून के आसपास हल्दी होगी, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून जो है मैं इसके अंदर भरकर हमारा नॉर्मल वाला मसाला जो लाल मसाला होता है वो ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर देते हैं इनको। इसका मेरे पास शाही बिरयानी मसाला रखा हुआ है जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। 1 टीस्पून जो है मैंने मसाला ऐड किया है एवरेस्ट का बिरयानी मसाला। मिक्स कर देते हैं, एकदम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाले जो हैं वो जलना नहीं चाहिए। और अब ये मसालों को हमें भूनना है तकरीबन जो है 1 से 2 मिनट के लिए, या फिर आप सोच लो कि इसको हमें तब तक भूनना होगा जब तक ये ऑयल छोड़ना स्टार्ट नहीं करता है। सो गाइस देख लीजिए, आप ऑयल जो है चारों बाजू में ऑयल मतलब छूटना स्टार्ट हो गया है। तो मसाले ऑब्वियसली इसमें बहुत अच्छी तरीके से जो है भून गए हैं। सो अभी मैं इसके अंदर जो मैंने ग्रीन पेस्ट बनाया था ये मैं ऐड करूँगी, और क्योंकि दही ऐड कर रही हूँ मैं इस वक्त इसमें। मिक्स कर देते हैं दही को भी। दही डालने के बाद फिर से इसको 2 मिनट मैं भूनूंगी, ठीक है। अभी मैं गैस का जो आँच एकदम स्लो कर रही हूँ। मेरे पास जो बचा हुआ मसाला था जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, प्लस ये जो मेरी दही की कटोरी थी जिसमें दही लग गया था, ये सारी चीज़ों में मैंने वो पानी ऐड कर दिया है। इसको इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको रख देंगे हम लोग मसाले को पकने के लिए, यानी आप समझ लो 3 से 4 मिनट में मेरा ये मसाला जो है ये रेडी हो जाएगा। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो नहीं ऐड की है, वो है नमक। सो ये भी मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने ऑलरेडी राइस में भी डाला है, तो मैं थोड़ा ध्यान देकर ही डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से ही इसमें नमक ऐड करें। सो गाइस ये वाला जो पतीली था ये मैंने दूसरे गैस पे चढ़ा दिया है, एंड गैस मैंने जो है एकदम मीडियम करके इसको पकाने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने दूसरा वाला पैन लिया है। मैं आपको बाकी का आगे का जो स्टेप है, जब तक मसाले हमारे भून रहे हैं, मैंने सोचा मैं अपने एग्स जो है उसको रेडी कर लेती हूँ। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ऑयल, ठीक है। ऑयल को जो है मैं हल्का सा जो है गर्म होने के लिए दे देती हूँ। जब तक ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो रहा है हम लोग इसके अंदर चीज़ें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है हिंग, चुटकी पर हमें हर चीज़ जो है ना थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है, ठीक है। हल्दी 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च, गैस को एकदम स्लो रखना है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा, हाफ भी नहीं आप बोलो 1/4 टीस्पून आप बोल सकते हो। लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला, इसको मिक्स कर दिया। गैस मैंने काफ़ी स्लो रखा है, इसका रीज़न ये है कि हमारे जो मसाले हैं ये जलना नहीं चाहिए, हमें बस इसको हल्का सा भूनना है, ठीक है। एग्स जो है मैंने इसको उबाल के इसको छील लिया, प्लस इसको काट के रख दिया। अब ये एग आप देख रहे हो ना, ये साइड साइड से जो देख रहे हो आप, यहाँ पर मैंने चीरी लगा दी है, तो 3 से 4 चीरी लगा के मैंने इसमें रख दिया ताकि मसाले हमारे अच्छी तरीके से एग्स में लग जाए।
अभी इसको हमें 2 से 3 मिनट अल्टी पल्टी करके ये मसालों में भूनना रहेगा एंड लास्ट में हम ये मसालों के साथ में ये एग्स को डालेंगे। अगर आप चाहो तो हाफ कट करके भी इसको डाल सकते हो, बट हाफ कट करके डालने के बाद इसका जो योक होता है ना वो निकल जाता है, सो वो मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं इसको पूरा पूरा ही डाल देती हूँ। एग भी हो गए हैं प्लस मेरा यहाँ पे मसाला भी रेडी हो गया है। अब मसाले में बाकी की चीज़ें क्या करनी है ये भी मैं आपको शो कर देती हूँ। ये गैस जो है मैं सबसे पहले ऑफ कर देती हूँ। ये मसालों में काफ़ी अच्छी तरीके से ऑयल की तरी आ गई है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको देखकर चेक करके इसको मतलब चला लिया था एक बार, सो अभी ये मसाला जितना मुझे गाढ़ा चाहिए था उतना गाढ़ा भी हो गया है। एंड इसमें मैं अभी क्या करूँगी, थोड़ा सा जो है बिलिस्ता ऐड कर रही हूँ, ठीक है, एकदम थोड़ा सा मैं ऊपर डालने के लिए रख दूंगी। तो मैंने बिलिस्ते को अच्छे तरीके से जो है मसल लिया है, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर अगर आपके पास फ्रेश काजू की बीज होती है ना, अगर वो होगी ना आप डाल सकते हो, काफ़ी मज़ेदार टेस्ट आता है। बट वो काजू का जो सीज़न आता है उसमें ही आपको अवेलेबल हो सकती है, बट मैं एक बता रही हूँ आपको कि अगर उस वक्त आपके पास अवेलेबल होगी आप इसको डालो, बहुत अच्छा टेस्ट देता है, ठीक है। ये गैस मैं ऑफ कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऊपर से ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा रख दूंगी मैं ऊपर से डालने के लिए, ठीक है। ये हो गया, अभी हम लोग इसको थर लगाने के लिए डाल देते हैं। प्लस यहाँ पे देख लो चावल भी मेरे रेडी हो गए हैं, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। अब इसमें जो है आप देख सकते हो कितने खुले खुले चावल हुए हैं, ये मैं निकाल के फेंक दूंगी, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग जो है दम पे देने के लिए इसको थर लगाना पहले स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं ले रही हूँ ये वाली पतीली जिसमें मैं पूरा राइस जो है दम पे दूंगी, मतलब मेरी बिरयानी दम पे दूंगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एकदम हल्का सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, ठीक है, इसको ग्रीस कर देते हैं चारों बाजू से, थोड़ा सा पानी तकरीबन इतना। ये पानी इसमें नीचे डालने का रीज़न ये है, मैं हर बिरयानी जब भी बनाती हूँ मैं ये ग्रीस करने के बाद इसमें नीचे पानी ज़रूर डालती हूँ। इसका रीज़न जस्ट ये होता है कि आपकी जो बिरयानी है वो नीचे से जब जो बोलते हैं ना जल जाती है एंड ज़्यादा आग की वजह से ज़्यादा पकड़ लेती है राइस को, वो नहीं पकड़ती है इसमें, इट्स जस्ट दैट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले राइस ऐड करूँगी। मैं इस वक्त यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल थर लगाने वाली हूँ, यानी पहले राइस की, उसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी मसाला एंड उसके बाद फिर से राइस, दैट्स इट। सो यहाँ पे मैंने ना कलर डाल के पानी में येलो कलर डाल के रखा था, ठीक है, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है कलर डालना आप स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाट मसाला ऊपर से छिड़क रही हूँ मैं, थोड़ा सा थोड़ा सा बिलिस्ता, थोड़ा सा कोथमीर। जो मसाला हमने बनाया है वो मसाला अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि मसाला थोड़ा सा ज़्यादा है आप मसाला भले ही कम कर दो, बट मुझे नहीं लगता ये मसाला ज़्यादा होगा, बिकॉज ये दो लोगों के हिसाब से ही मैंने बनाया है और एकदम परफेक्ट है। अब जो बची हुई थर है वो मैं लगा दूंगी राइस की। सो ये थर का काम हो गया है, अभी ऊपर से सेम जो मैंने पहले प्रोसेस रिपीट किया था वही प्रोसेस मैं फिर से रिपीट करूंगी। सो गाइज ये बिरयानी जो मेरी है एग बिरयानी, ये दम पे आने के लिए पूरी रेडी है। मैंने इसको रख दिया है नीचे, मैंने ना ये तवा रख दिया है थोड़ी देर के लिए जो है। ये तवा रखने का रीज़न ये है कि ऊपर जो है आग डायरेक्टली नहीं लगने की वजह से नीचे आपका जो बिरयानी है वो ज़्यादा मतलब जलने का जो डर होता है वो बच जाएगा, ठीक है। सो मैं नीचे हमेशा ये तवा रख देती हूँ हमेशा दम पे देने के लिए। अभी ऑलमोस्ट मेरी बिरयानी दम पे आने के लिए मैंने रख दी है। सो अभी मैं इसको कवर करूंगी थोड़ा सा फॉइल पेपर से, 5 मिनट मैंने इसको एकदम फास्ट गैस पे रखना है एंड उसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए एकदम स्लो गैस पे रख के दम पे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ इसको हम जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे फॉइल पेपर से। सो फॉइल पेपर से कवर होने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो इसका लीड है वो लगा दूंगी।
अब फॉइल पेपर रखने का एक्चुअली मेरा रीज़न ये था कि इसका जो लीड है, इसके आप देख सकते हो इसके ऊपर का जो पकड़ने वाला जो रहता है ना वो टूट गया है। सो इस वजह से मैंने फॉइल पेपर लगा दिया ताकि जो भी स्टीम अंदर बनेगी ना वो बाहर नहीं जाएगी, एंड उसके वजह से बिरयानी का जो भी स्टीम रहेगा वो अंदर ही रहेगा एंड अच्छी तरीके से दम पे आ पाएगी। ठीक है, सो बी केयरफुल, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखें। 5 मिनट के लिए मैं इसको फास्ट गैस पर रख रही हूँ। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो इस वक्त हो रहा है प्रॉपर 8:30। 5 मिनट के लिए मैं इसको फास्ट गैस पे रखूंगी एंड उसके बाद मैं इसको धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। सो ये मेरी बिरयानी जो है ये पूरी बनकर रेडी है। इसको मैं सर्व करने वाली हूँ मेरी फेवरेट, मेरा जो फेवरेट लाइक बीटरूट होता है उसका रायता, इसके साथ मुझे ये बिरयानी काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं इसके साथ इसको सर्व करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, ये रेसिपी ट्राई करना है एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, बिकॉज आई नो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है एंड मैंने इसको काफ़ी बार अपने घर पर बनाया है, क्योंकि जो तरीका है ये ऑलमोस्ट मेरी मम्मा का तरीका है एंड इसको मैंने कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देकर ये बिरयानी बनाई है। सो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिएगा एंड अपने फीडबैक्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, एंड इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आप मुझसे और क्या क्या रेसिपी देखना चाहते हैं, क्या क्या और रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं ट्राई करूँ लाइक हमारे स्टाइल में, मेरी मम्मा ने मुझे और क्या क्या चीज़ें बताई हैं तो मैं उस वे में ट्राई करूंगी एंड प्लस मैं अपने मॉम इन लॉ आई की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि उन्होंने मुझे क्या क्या चीज़ें सिखाई है एंड दोनों की इक्वल अमाउंट में मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। सो डेफिनेटली ये व्लॉग तो आपको पसंद आना है एंड सो गाइज बिरयानी कैसी बनी है एंड प्लस आपकी तरफ से ये बिरयानी बनाने के बाद आपको क्या फीडबैक मिला है ये मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में एंड इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।